मुझे फीलिंग आ रही है कि आज का इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच शानदार होने वाला है, और इसी फीलिंग के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के इस मैच पे ट्रेड कैसे करें जिससे हमें बड़े प्रॉफिट्स मिले। कल की वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे, तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम अपना पहला पार्ट जो कि रिसर्च है उसे सॉर्ट करते हैं। चलिए जानते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में इंडिया और साउथ अफ्रीका के 3 T20 मैचेस हुए, जिनमें से 2 इंडिया जीती है और 1 साउथ अफ्रीका जीती है। और मजे की बात तो ये है कि इन मैचेस में हमारे 2 बहुत दमदार प्लेयर्स शमी और भुवनेश्वर कुमार तो खेले भी नहीं थे। अब अगर इंडिविजुअल टीम स्टैट्स देखें तो टीम इंडिया अपने पिछले 5 T20 मैचेस में 4 जीती है और 1 हारी है, और वो जो 1 हारी है वो साउथ अफ्रीका से ही हारी है। और साउथ अफ्रीका की टीम पिछले 5 T20 मैचेस में से 2 जीती है, 2 हारी है और 1 मैच का नो रिजल्ट रहा है। चलिए अब आते हैं प्लेयर्स पे। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडियन प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमेशा ही बहुत दमदार परफॉर्म करते दिखे हैं। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम साउथ अफ्रीका को कम आते, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर राइली रूसो के इंडिया के खिलाफ पिछले 2 मैचेस में सेंचुरी बिल्कुल भी नजरअंदाज करने लायक नहीं है, और साथ में डिकॉक और रबाडा भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। भाई सारी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के नाम हमने आपको बता दिए हैं, तो आज के मैच में अगर किसी भी इवेंट में आपको इन प्लेयर्स के नाम दिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस पे ट्रेड करने में आपका फायदा होगा। अब रिसर्च खत्म, तो आते हैं हमारे दूसरे पार्ट ज्ञान पे, और इसके बारे में हम अपनी कल की वीडियो में भी बात कर चुके हैं। पिछली वीडियो भी देखें और 2-4 चीजें मैं आपको और बता देती हूं कि भाई क्रिकेट का मैच कभी भी पलट सकता है, 1 इनिंग के बाद या पहले ही इनिंग में क्यों नहीं, तो आप अपना ओपिनियन बदल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो एग्जिट फीचर का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब मिलते हैं मैच के दौरान प्रोवो के YouTube चैनल पे, जहां हम करने वाले हैं स्ट्रीम आप सभी के लिए, ताकि आप समझ सके कि किस इवेंट में कितना ट्रेड करें। मिलते हैं स्ट्रीम में।